gossip, 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 gossip. Lizzie biology joke. वैसे तो दिख रहा है कि क्लासरूम है, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगी, इज दिस अ फिश मार्केट? वेलकम टू 11 साइंस स्टूडेंट्स. ये 2 साल आपको इंजीनियरिंग छोड़ने में बहुत इंस्पायर करेंगे. यस मैम, वैसे भी मुझे कॉमेडियन बनना है, तो ये ड्रामा मुझे बहुत काम आएगा. सो दिस इज अ पेंडुलम, AKA योर लाइफ. ये जो आप अभी अभी कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को नीचा दिखा के आए हैं, अब तुम्हारी बारी है. ये भूल गया, ये तो डेफिनेटली भूल गया, ये तो कल ही भूल गया था. जय माता दी. यार ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर. अरे फैमिली प्रेशर नहीं यार, वो एंट्रेंस एग्जाम वाला कुछ तो था ना. एंट्रेंस एग्जाम प्रेशर इज इक्वल टू फैमिली एक्सपेक्टेशंस अपॉन IQ. IQ तो मैं भूल ही गया था, अभी तो मैं पक्का फेल होके आऊंगा. देखो फेल होके आना. स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर दैट यू केयरफुली सक द केमिकल फ्रॉम द पिपेट. वैसे बोलने का तो कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि रौनक तो इसकी चुस्कियां मारेगा. स्क्रीन चाहिए था क्या? अरे तेरा तो कलर आ गया यार, ऐसा बोलकर तेरी तारीफ करूंगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तुझसे ही तो लूंगा. I don't know, ये सही आया कि नहीं यार. ऐसा बोलूंगी क्योंकि मैं तेरे लिए पढ़ के थोड़ी आई हूँ. थैंक यू यार, तू बहुत नीच और सेल्फिश निकली है ना. मैम फाइनली मैंने बाजू वाले का चुरा लिया. ऐसा बोल के 10 सेकंड खड़ा रखवाऊंगी. आपके हाथ में मार्क्स नहीं होते तो जिंदगी कितनी अलग होती. वाओ रौनक, मैं जानती हूँ कि तुमने चीटिंग करी है, बट यू नो आई एम वे टू अंडरपेड टू केयर अबाउट इट. इसलिए मैं अपना खाना ऑर्डर करूंगी और इंटरनल्स में तुम्हारे मार्क्स काटूंगी. मैं मीट सीम्स के बाद कॉलेज चेंज कर रहा हूँ, सो उखाड़ लेना जो आपको उखाड़ना है. निखिल, शकल पे लिखा है पूरा फिजिक्स चार्ट क्या है, पर फिर भी पूछूंगी, वीकेंड पे क्या किया? अरे मस्त एकदम, सैटरडे संडे पूरा सोया वाला झूठ. रुक जा, एक डाउट पूछ के तेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म करती हूँ. अरे ये तो बहुत सिंपल है, बोल के उल्टा तेरे पे ही अटैक. तुम लोग सक्सेसफुल होके मुझे पाल लेना, वाला जो टू डिफ्यूज द टेंशन. बट आई मीन इट. रौनक और कितनी पढ़ाई का नाटक करेगा, ये ले एक गिलास दूध और वेस्ट कर ले. थैंक यू. आगे टाइम पास करना है, ये ले रौनक का दिमाग खा, अपनी मासी के साथ जबरदस्ती बात कर ले. हे हाय मासी, अभी तक आप मरी नहीं? अरे बेटा, तेरे IIT के रिजल्ट्स पे हंसने के पहले मैं कैसे मर सकती हूँ. अभी इससे ज्यादा स्मॉल टॉक तो होगा नहीं, और बहुत सारी पढ़ाई का भी बहाना है, तो आप मम्मी का ही दिमाग खा लो. और हाँ, जाते जाते बस यही कहूंगी कि अक्कल तो तेरे में 2 कौड़ी की है. नहीं परफेक्ट, मेहनत करके तूने क्या उखाड़ लेना. इंजीनियरिंग तो तेरी डोनेशन से ही होनी है. पढ़ाई का नाटक जारी रख. ओके मम्मी, वापिस मत आना. एंड इंटीग्रेशन डन मेरा, क्योंकि तुम लोग तो फॉर्मूला लिख के आते हैं ना. मुझे तो कुछ समझ नहीं आया वाला एक्सप्रेशन देखे, आराम से तो एटलीस्ट 80 स्कोर करूंगी ही. लेट्स मूव ऑन.
मेरा भी मेहंदी कंप्लीट हो गया। ओके तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर वन, नो मैटर हाउ मच ही स्टडीज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रौनक फेलिंग दिस एग्जाम एंड जॉइनिंग हिज फैमिली बिजनेस? 100%।